Hi guys, how is everyone doing? So in today's video, I'm going to show you the most important tool required to handle oily skin. This, जो मैंने इस वक्त अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, is one of the most important product to take care of oily skin. Now you're going to wonder, what is this? This is an oil blotting sheet. This looks like a mini tissue paper kind of a thing. ये देखिए paper है, you just pull it out. So this oil blotting sheet, अगर आपको याद हो जब हम स्कूल में हुआ करते थे and we used to have this blotting paper and we used to put it on ink, जो अगर हम ink pen से लिख रहे होते थे, so अगर ink ज्यादा कहीं फैल जाती थी, we used to immediately put it on that और वो immediately वो ink जो है वो सोख लेता था और कोई भी चीज हमारा जो question paper या कुछ भी चीज खराब होने से बचा लेता था. So this has a similar property. No, this is not the same quality of paper. But this is exactly the same property used for oily skin. Now, oily skin वाले जितने लोग हैं, they will agree with me कि क्या होता है जब भी हम नहा धो के तैयार होते हैं, मेकअप वेकअप लगाते हैं, या आप जाते हो बाहर मीटिंग करने के लिए, कोई आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, या फिर यू गेट टू ऑफिस, यू रियलाइज बाय द टाइम यू गॉटन टू योर डेस्टिनेशन, आपका फेस अचानक ऑयली हो जाता है. When your face gets oily, आपका फेस अचानक ऑयली हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑयलीनेस इट जस्ट लुक्स वेरी वेरी अनफ्रेश. इट स्टार्ट शाइनिंग ऑल ओवर. तो आप जितनी आपकी फ्रेशनेस होती है या फिर आपने जो मेकअप किया होता है उसके ऊपर आपका ऑयली फेस हो जाना, योर फेस सडनली उस पर डलनेस आ जाती है. सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग ब्राइट एंड शाइनिंग एंड लुकिंग वेरी फ्रेश, your face actually starts looking dull within the next half an hour or within the next 2 to 3 hours, depending on person to person, depending on oily skin to oily skin. But you will notice जो oily skin वाले जितने लोग होते हैं, थोड़े ही time बाद उनकी skin oily हो जाती है और वो dullness आ जाती है. So this paper, what it does is, this is a very emergency, very life saving kind of a thing and a very very important tool which I feel, according to me, ये मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज है. और दिस आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दिस ब्लॉटिंग शीट्स बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन अबाउट फ्यू इयर्स अगो. आई एम गेसिंग अराउंड 7 से 8 साल हो गए होंगे इस बात को. सो तब से जब से मैं यूज कर रही हूं, आई एम लाइक ओ माय गॉड, ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं मिली. बिकॉज हम जब भी जाते हैं, जैसे लाइक आई सेड, हम बाहर जा रहे हैं, जैसे ही वी सी के जरा से भी ऑयलीनेस के साइंस है, स्पेशली ऑन आर टी जोन, एंड वी सी के आर फेस इज स्टार्टिंग टू गेट ऑयली एंड वी आर जस्ट अबाउट टू गेट इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, और फॉर ऑफिस गोअर्स दे आर अबाउट टू गेट इनटू वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन वेयर दे वांट टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ देयर बॉसेस और द पीपल हुम दे आर डूइंग द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ. सो अब हर जगह इट इज नॉट पॉसिबल कि हम जाएं अपना मुंह धोएं और फिर वापस क्रीम्स लगाएं या ऑल दोज थिंग्स वो पूरे तामझाम करें, या हर जगह, इवन व्हेन वी आर ट्रैवलिंग और व्हेन वी आर आउट एंड अबाउट, वी डोंट हैव एक्सेस टू वॉशरूम्स. सो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट. ऑल यू डू इज यू जस्ट टेक आउट, यू जस्ट पुल आउट दिस वन शीट, यू डैब इट, आप अपने फेस पे अच्छी तरह से इसे डैब कीजिए. आई विल जस्ट शो दिस टू यू इन अ मिनट के हाउ टू यूज दिस प्रॉपरली. You dab it properly and वो सारा का सारा oil जो है वो सोख लेता है. It immediately comes on the sheet and your face looks fresh, like it looks absolutely fresh. To every single person who has oily skin and they are like irritated with this, and especially आप notice कीजिए, oily skin is prone to pimples and acne. So you need to make sure के आपकी skin oily ना रहे. जब भी oily होना शुरू हुआ, you need to use this, dab it immediately and get rid of all the excess oil so that आपके pores clog ना हो, आपको pimples जो आपके face पे हैं वो form ना हो. So this product, I would say, now this product मैं जो use कर रही हूँ is Shiseido का product. So this is again not a marketing video because I'm just showing you the product that I use. Now I have seen blotting papers with other companies as well. Maine blotting papers I think Body Shop mein bhi dekhe hain and even in Sephora, jo unki in-house company hai Sephora ki, jo unka apna brand hai, Sephora ke oil blotting papers bhi dekhe hain. So you can definitely make a choice according to your budget, according to your preference. ये Shiseido का यहाँ पर अवेलेबल है इन इंडिया, इन मुंबई, एंड विद बॉडी शॉप एंड Sephora आई थिंक दे आर इवन अवेलेबल ऑनलाइन. सो यू कैन मेक एन इन्फॉर्म चॉइस, जो आपके बजट और आपकी प्रेफरेंस को सूट करके यू कैन डेफिनेटली पिक द वन दैट यू थिंक सूट्स यू बेटर.
but I definitely feel this oil blotting paper is an absolute must for all people having oily skin. So this is how you dab the paper all over your face. ये आपका oil सारा सोख रहा है completely, and now you see ये सारा oil निकला आपके फेस से. तो जैसे कि आपने देखा कि उस छोटे से पेपर ने सारा आपके फेस का जो ऑयल है वो सोक कर लिया था. एंड दिस इज अ वेरी वेरी हैंडी साइज. दिस कैन इजिली कम इन टू योर पॉकेट, इन योर पर्स, एवरीवेयर. एंड दिस इज अ यूनिसेक्स प्रोडक्ट. दिस इज नॉट सम प्रोडक्ट कि सिर्फ लड़कियां यूज करती हैं. इवन गाइज विद ऑयली स्किन यू कैन एब्सोल्युटली यूज दिस प्रोडक्ट. इट्स अ वेरी वेरी हैंडी प्रोडक्ट एंड आई फील इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट. सो इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने एक्चुअली ज्यादा कहीं सुना नहीं है, ना इसकी कोई एड्स देखी, ना इसकी कोई मार्केटिंग इमेज देखी है. बट आई हैव बीन पर्सनली यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर द लास्ट 7 to 8 ईयर्स लाइक आई मेंशन. एंड दिस इज अ कंप्लीट लाइफ चेंजर एंड अ लाइफ सेविंग प्रोडक्ट फॉर मी, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स आई ट्रैवल. And when I'm out and about, जब मैं बाहर जा रही होती हूँ या मेकअप लगाया होता है. And the best part about this product is about these oil blotting papers is कि आपने अगर मेकअप भी लगाया होता है and you know dab your skin that time, ये आपका मेकअप बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता इस चीज से. आपका मेकअप जरा भी निकलता नहीं है. ये आपके मेकअप को टच तक नहीं करता. It just takes off the excess oil. And your makeup and your face is absolutely, you know, perfect. I think it's a very useful product. So that's why I thought कि इसका video जरूर बनाया जाए and awareness जरा spread की जाए for every person who is really, really annoyed and irritated with their oily skin. This is an absolute must product to use. Go for it, use it. And let me know in the comment section below अगर आप में से किसी ने use किया है और आपको कैसा लगता है, आपको कैसा feel होता है. Until then, I'll see you in the next video.